तो दोस्तों हमारा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। मैं आया विशाल के वहाँ। वैसे निकलना तो 7 बजे, लेकिन अब टाइम हो चुका है। कितना हुआ टाइम? 8:30 हो गया। ठीक है, ब्लॉगिंग करने जो ब्लॉगर होते हैं उनके हमेशा साथ यही होता है, हमेशा उनको टाइम का आगे पीछे तो होता ही रहता है। अरसू यही है, अरसू नहीं चल रहा है, साथ में विशाल चल रहा है। विशाल तैयार हो रहा है और ये रहे हमारे 2 बैग्स, 1 और 2। ये मेरा वाला है, वो विशाल अंदर मैं आपको बताऊँ इसके अंदर क्या था। आपको क्या लिया भैया आपने? मतलब फुल सेफ्टी से हमने सिर्फ पानी और पानी लिया है और कुछ नहीं लिया है। पानी बाहर भी पानी, अंदर भी पानी, पानी पानी है। आज ग्लू है पानी। आ गया विशाल, विशाल तैयार हो गया भाई। हाँ देखो हमारे बाइक तैयार है, इसी को लेके जा रहे हैं क्योंकि उसका नंबर नहीं आ रखे हैं। सुजुकी एक्सेस के, जिक्सा सॉरी एक्सेस का, एक्सेस का दा रखे हैं और ये तैयार हो चुका है, चलते हैं। तो दोस्तों हेलमेट में तैयार हो चुके हैं, इसका देखो हेलमेट मस्त है ना, दिखता ही नहीं है कौन है ये एक्स्ट्रा देखो ताम जाम लटका रखा है। तो चलिए दोस्तों हम ट्रिप शुरू करते हैं। देखो आगे एक अपने ही है, पीछे भी है। ठीक है दोस्तों ट्रिप स्टार्ट करते हैं और अब चलते चलते मिलते हैं। बाय। अब हमारा फर्स्ट जो कहते हैं स्टॉप, फर्स्ट स्टॉप है वो है 50 किलोमीटर पर। तो इस हिसाब से देखा जाए, हाँ आई हो कौन आ रहा है, कौन उठे उठे जाओ। अच्छा तो दोस्तों ये स्टॉप तो ऐसे पानी वगैरह के लिए लिया था। पानी तो पिए नहीं, आप पिएंगे? लिया था पानी, लेकिन पानी तो पिया नहीं। और बाकी दोस्तों अभी तक बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे से चल रही है। तो चलने क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? वैसे अगर देखा जाए ना तो कोई पीछे बैठने में या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। मतलब कंफर्ट के बारे में क्या? कंफर्ट अच्छा है। 50 किलोमीटर ऐसा बाइक पे थे तब तक थोड़ा लग रहा था, नीचे उतरते ही फिर लग रहा है यार वापस बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो एक रिलीफ तो चाहिए, एक सरी अगर 1 घंटे तक बैठे रहोगे तो फिर गड़बड़। तो मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर काफी है, काफी कम नहीं हो तो कम है। स्पीड लेकिन दोस्तों हमारी टाइप अभी हमें 400 किलोमीटर एक ही बाइक पे करना है, उस हिसाब से इतना ही कर रहे हैं अभी कवर। ये हमारा फर्स्ट टूर है, टूर भी हमारा फर्स्ट। और 150 सीसी की बाइक पर ये बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी फिर। 400 किलोमीटर तो खूब करते हैं लोग, करे तो है कई लोगों ने। हमारे लिए फर्स्ट है, हमारे लिए फर्स्ट, हम देखे जाए तो हमारे लिए फर्स्ट है। और हमें बाइकों के बारे में भी पता चले, मतलब बाइक के बारे में पता चले, उस वाली को तो बाद में यूज करना है। एक और ट्रिप बाइक एक्सपर्ट को बाइक के बारे में पता चल जाए थोड़ा सा। दोस्तों अब बजाज वालों अगर देख रहे हो तो स्पॉन्सर करो, कर दो, जरूरत है ले लद्दाख के लिए कर दो स्पॉन्सर, मजा आ जाए। आप कुछ नहीं चाहिए, कौन से लेके जाए? ले लेता है, कौन से लेके जाए? पल्सर लेके जाए या जिक्सर लेके जाए? नीचे के पत्र है थोड़ा छोटे बात आप आज ही ट्राई मारो अभी कुछ नहीं है ये बच्चे से लेके जिक्सर ले लियो यार, वो हुआ लेन की उड़ो तो ले लो। मैं आज ही ले लियो, नहीं नहीं तो भाई मोटोडी जिक्सर नहीं,
लेकिन मारो एक बाटो जपड़ी हायाबुसा चार बाटो को जावे बट लगन को तो आग कर दे और तो कहीं मेरी मां मैं कि नूरी पत्ती लगा दे तो बैठ जगह जाओ जड़े आगे सही है ना बंद कर दे ऐ देख लो ऐ देखो अंत है तो ही डर ला हो जा दो देख सकते हो यहाँ कुछ नहीं है, हाईवे है बस यहाँ पे और एक ये पेड़ है मैं नहीं ये वाला वाला ये तो मुझे पता है ये पेड़ नहीं है सो लॉन्ग ट्रिप हालत खराब हो जाती है सच्ची जबकि अभी तक पार कितने किए 120 125 125 हो चुके हैं अभी हालात देखो इसका देखा पीछे बैठे यही पे सो जाता है थोड़ी देर 2 घंटे बाद मिलते हैं नींद आ रही है मेरे को तो सच्ची इसको चेक करा दोस्तों ये होता है आप बहुत ज्यादा लंबी राइड करने के बाद अगर खाना खाते हो थोड़ा और ऐसी हवा चले तो राजस्थान में अभी हवा पता नहीं कैसे ठंडी आ रही है ठीक है पूरी ठंडी नहीं है लेकिन ठंडी है इतनी भी कहते हैं ना एकदम लू वाली हवा नहीं है हाँ वो वाली हवा नहीं अगर वो वाली हवा होती तो और हालत खराब हो जाती अब चलिए दोस्तों चलते हैं वापस हाईवे पर और करते हैं अपना टूर कंटिन्यू ठीक है दोस्तों
हम पहुंचने वाले हैं तनोड। अभी तनोड है तकरीबन 50 किलोमीटर और दूर है, काफ़ी पास आ चुके हैं। गाड़ी थोड़ी गर्म हो चुकी है, तो मतलब इतनी भी ओवर हीट नहीं हुई लेकिन थोड़ी गर्म हो गई, तो सोचा कि इसको पहले ठंडा कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। और विशाल भाई हमारे यहाँ बातें कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड से। सच्ची कौन बात वैसे बात करते हैं गर्लफ्रेंड से ना, जियो की सिम बंद हो चुकी है दोस्तों, जियो की सिम बंद हो चुकी है, अब क्या करें, कैसे फोन करें घर पर, अगर कॉल कर रहे हैं तो वोडाफोन में दिला के ला। हाँ हरियाली अच्छी है, हरियाली हरियाली कौन सी हरियाली, तो अरे यहाँ कोई हरियाली नहीं है, ऐसी जगह आने का सोचना भी मत। नरेंद्र रूट कह दीजिए किसी में बंद हो चुकी उठे, मेरे घर पर भी कह दिया जाए, कह देंगे तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तनोड। तनोड यहां से तकरीबन दूर है 40 किलोमीटर, सॉरी 39 किलोमीटर दूर है यहां से तनोड। अब बस बहुत करीब और चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मतलब है ही नहीं कुछ, हर जगह बड़े तो दोस्तों नाइट
को जो हमने होल्ड किया था वो तो हम बता नहीं पाए क्योंकि हालत हमारी खराब हो गई थी। और अब देखो ये ले जा रहे दोस्तों, मेरे पास भी। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है, हम तनोड पर है, आपको पता ही है। मंदिर की आरती वगैरह तो आपको हमने बता दी, और जो रात को होल्ड किया, खाना खाया था मैंने होटल में, वो भी आपको नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाए उसका एक रीजन, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, याद ही नहीं आया कि आपको बताना है। मोबाइल भी मतलब यहाँ टावर भी नहीं आ रहा हमारा, ऑनली फॉर यहाँ BSNL काम करी, और हमारे पास है जियो और वोडाफोन तो काम आ नहीं रही है। तो उसका भी टेंशन था क्योंकि घर पर कॉल नहीं कर पाया था। अगर मैंने तो कर दिया था किसी फौजी से कॉल लेके, लेकिन विशाल नहीं कर पाया तो उसको थोड़ी चिंता थी, तो मतलब उनका याद नहीं आया फिर। लेकिन अब सुबह उठे हैं, अभी क्या टाइम है, 5:30 हो रखे हैं, तो अब जाते हैं ये जमा कराते हैं, फिर वापस आपसे थोड़ी बात करते हैं। तो टूर पर निकले दोस्तों, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, कुछ याद मत रखना, मुझे खुद को याद नहीं आ रहा क्या बताऊँ। तो ठीक है, टाइम पास करना है। तो इसका जो फुल एक्सपीरियंस है हमारा टूर का, वो हम आपको बाद में शेयर कर सकते हैं, अभी तो क्या बताएं। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं फिर से, आप मिलते हैं आपसे।